अलैकुम, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पहले के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम के बाहर। अभी अभी इंडिया की टीम पहुंची है, उससे पहले पाकिस्तान की टीम भी आ चुकी है। वेदर की जहाँ तक बात है, पिछले एक घंटे से ड्रिजलिंग हो रही है, लाइट रेन है, हैवी रेन नहीं है, लेकिन टॉस जो है उसके डिले होने के बहुत ज़्यादा इम्कान है। आप पीछे देख सकते हैं फैन पार्क की तरह का माहौल है, यहाँ पर इंडियन फैंस बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 90% इंडियन फैंस है और पाकिस्तानी फैंस भी कहीं कहीं आपको नजर आ रही है, लेकिन सब इस वक्त टॉस का इंतजार कर रहे हैं। बैड न्यूज़ थोड़ी सी ये है कि टॉस डिले हो सकता है, क्योंकि पहले किले में अब भी बारिश हो रही है। इट इज़ लाइट रेन बट दिस इज स्टिल रेन, और अब मुझे लग रहा है कि शायद ओवर्स जो है वो कर्टेल्ड हो जाएं। एक वक्त पे आके ओवर्स कम हो जाती हैं। इंडियन टीम भी पहुंच चुकी है, पाकिस्तान टीम भी पहुंच चुकी है। देखना ये होगा कि कैप्टन की क्या स्ट्रैटेजी रहती है। शायद मैच से पहले ये सोचा होगा कि टॉस जीतेंगे तो बारी लेंगे पहले, क्योंकि श्रीलंका में चेजिंग मुश्किल है लाइट्स के अंडर। अब देखा ये जाए तो डीएल मेथड की वजह से हो सकता है डिसीजन जो है वो चेंज करना पड़े कैप्टन को, मैच कम हो जाए, टारगेट आपके सामने हो तो चेंज करना आसान रहता है। इंडिया के यहाँ पर आप देख सकते हैं फैंस बहुत ज़्यादा हैं, पाकिस्तान के फैंस कम हैं, लेकिन दोनों टीम्स जो हैं वो अपबीट हैं, परफॉर्म करना चाहती हैं, जीतना चाहती हैं। जो भी जीतेगा उसके लिए सुपर फोर की राह जो है वो हमवार हो जाएगी, अगले मैच का मोमेंटम मिल जाएगा उनको। इनका अगला मैच दोबारा ऑलमोस्ट सर्टन हो जाएगा जो कोलंबो में 10 को खेला जाएगा, और ये दोनों चाहेंगे, जैसे रोहित ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पहली दफ़ा अगर फाइनल होना इंडिया पाकिस्तान का तो इस दफ़ा हो सकता है 17 को आप देखेंगे फाइनल कोलंबो में। ये अब तक की अपडेट है, दुआ करते हैं कि बारिश जो है वो थम जाए और मैच जो जल्दी शुरू हो सके, लेकिन अभी फॉर नाउ इट इज़ रेनिंग इन पालाकिले। पाकिस्तान टीम पे कितने चांसेस हैं आज क्या लगे?